क्या केजरीवाल के दावों की खुली पोल चौंका देगी हकीकत आई सामने। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच टकरार एक कदम और आगे बढ़ गई है। दोनों पार्टियों के बीच ताजा घमासान अस्पताल निर्माण को लेकर है। भाजपा ने आप पर अस्पताल निर्माण में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि जिस अस्पताल के बारे में आप ढिंढोरा पीट रही है उसका अभी तक निर्माण ही शुरू नहीं हुआ। मनोज तिवारी ने बुधवार को पीडब्ल्यूडी की साइट पर जाकर खुद अस्पताल की हकीकत जानने की कोशिश की। भाजपा ने आप अस्पताल साइट का मुआयना करने के बाद कहा कि आप द्वारा जिस अस्पताल के 2020 में तैयार होने का दावा किया जा रहा था वह खोखला साबित हुआ है। मनोज तिवारी ने कहा कि अभी तक सिर्फ पैसों को लेकर भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, लेकिन जमीनी हकीकत में तो अस्पताल का निर्माण ही नहीं हुआ है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी अस्पताल की हकीकत जानने के लिए भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ रोहिणी के किरारी में पहुंचे। वहां उन्हें अस्पताल की जगह सिर्फ खाली जमीन मिली जिसमें लंबे समय से पानी भरा हुआ है। अस्पताल के नाम पर नीले टीन की चद्दर वाली बाउंड्री और सिर्फ दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय का बोर्ड मिला। आदेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में डीडीए ने जो जमीन सिर्फ 49 रुपए में जनता की सेवा के लिए दिल्ली सरकार को दी थी उसे दिल्ली सरकार ने हजारों करोड़ के घोटाले में बदल कर जनता को धोखा दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि ये सारी जानकारी मैं एसीबी और कोर्ट को दूंगा। ये मल्टी लेयर घोटाला बहुत दिन छिपेगा नहीं। पीडब्ल्यूडी की साइट दिखा रही है कि 458 बेड का अस्पताल 2020 में ही तैयार हो चुका है। सांसद ने पीडब्ल्यूडी के साइट की जानकारी को साझा करते हुए कहा कि इसे 28 जून 2020 में ही निर्मित दिखा दिया गया, यहाँ तो ईंट भी नहीं दिख रही। उन्होंने कहा कि दिल्ली पीडब्ल्यूडी का विभाग अब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट न होकर पाप वर्क डिपार्टमेंट हो गया है।